तो दोस्तों असल में राजा बनने का मतलब क्या यही है कि लोगों को अपने हिसाब से कंट्रोल किया जा सके और हर तरफ अपनी हुकूमत दिखाई जाए। आज की हमारी इस कहानी में हमें यही पता चलेगा। मूवी की कहानी शुरू होती है कुछ लाइन से, जहाँ पर लिखा हुआ था कि जो अतीत को कंट्रोल करता है वो भविष्य को भी कंट्रोल कर सकता है, और जो प्रेजेंट को कंट्रोल करे वो पास्ट को भी कंट्रोल कर सकता है। फिर हम इंसो ग्रुप के लोगों को देखते हैं जो कि उनके देश के एक तानाशाह बॉब की वीडियो देख रहे थे कि कैसे पहले उनका देश हर जगह से खुश था और किसी भी चीज़ की कभी कमी नहीं पड़ती थी, लेकिन एक दिन बॉब ने उनके देश पर जंग छेड़ दी और हजारों लाखों लोग मारे गए। देश की हालत बद से बदतर हो गई और बॉब के लिए सभी के मन में गुस्सा भर गया था। इंसो ग्रुप के लोग एक कॉल सेंटर जैसी जगह पर काम किया करते थे, जहाँ पर वे सभी न्यूज़पेपर की खबरों को फोन पर पढ़कर सुनाते थे और युद्ध की वजह से हर तरफ तबाही थी। वहाँ के लोग मजबूर थे बॉब के लिए काम करने के लिए। हर जगह बॉब की फोटोज और उसके ग्रुप का लोगो इंसोक लगा हुआ था। काम करने वाले लोगों के घर में टीवी पर बॉब की वीडियोस हर समय लगी रहती थी, जिसे वो कभी भी बंद नहीं कर सकते थे। यहाँ पर लोगों को फीलिंग, प्यार, इमोशन रखने की कोई इजाजत नहीं थी। वहीं पर एक आदमी था विंस्टन, जिसके अंदर फीलिंग्स अभी भी छिपी हुई थी। घर की एक दीवार के पीछे एक डायरी में वो अपनी कहानी लिखता था, ताकि कभी आने वाली जनरेशन को आज की हालत का पता चल जाए। हर रात उसे एक ही सपना आता था, जब जंग में सभी उसके मारे गए थे। वो अकेला उस बर्बाद शहर से भाग रहा था और अब तो वे सभी एक मशीन बन चुके थे। तानाशाह के ऑर्डर पर ही वे सभी नींद से उठते, सोते, खाना खाते और हर समय उसके लिए काम करते। और तानाशाह अपने हर ऑर्डर उनसे मनवाया करता था। विंस्टन का एक दोस्त था पार्सन, जिससे वो हमेशा बातें किया करता था और खाने के समय भी उन लोगों को देश के बारे में बताया जाता था। उन्हें झूठी न्यूज दिखाकर उनके दिमाग को मैनिपुलेट किया जाता था। वहीं पर एक लड़की थी जूलिया, जिसे विंस्टन बहुत ज्यादा पसंद करता था, लेकिन वहाँ पर चल रहे स्ट्रिक्ट रूल की वजह से वो कभी भी उससे बात नहीं कर पाया था। जूलिया भी उसको चुपके चुपके देखा करती थी। उस देश के रूल को तोड़ने पर क्या सजा दी जाती है, यहाँ भी सबको टीवी पर दिखाया जाता है, ताकि तानाशाह बॉब की हुकूमत चलती रहे। अब रात के समय विंस्टन अपनी डायरी में लिखता है कि कैसे वो एक दिन एक प्रोस्टिट्यूट को अपने घर पर लाया। अपना खर्चा निकालने के लिए वो औरत मात्र $2 में ही उसका साथ में सोने के लिए राजी हो गई थी। और एक दिन विंस्टन एक दुकान में जाता है और वहाँ पर लोग उसको आसानी से मिलने वाली चीजें भी बड़ी मुश्किल से मिलती है, बस पुरानी चीजें ही दुकानों पर मिला करती है। और $4 में विंस्टन एक कांच की बोतल खरीदता है जो कि 100 साल पुरानी थी। अब वो दुकानदार उसे एक अलग कमरे में लेकर जाता है और कुछ और चीजें दिखाता है। वहाँ पर एक बेड था जिसे वो दुकानदार बेचना चाहता था। दुकान से बाहर आने पर विंस्टन जूलिया को देखता है, जो कि वहाँ पर इंसो ग्रुप के पोस्टर लगा नहीं थी। जूलिया आज भी उसकी तरफ देखती है, लेकिन रूल्स की वजह से विंस्टन बिना कुछ बात किए वहाँ से चला जाता है। घर आकर जूलिया के बारे में वो अपनी डायरी में लिखता है और विंस्टन को अपने बचपन का वही समय याद आता है जब उसकी माँ जंग के दौरान मारी गई थी और उसकी डेड बॉडी को चूहे खा रहे थे। तब नॉर्मन नाम के एक आदमी ने उसे पाल पोसकर बड़ा किया था। अगले दिन विंस्टन को फिर से जूलिया नजर आती है और उसके हाथ में चोट लगी हुई थी। विंस्टन आज भी जूलिया से बातें नहीं करने वाला था, लेकिन जूलिया जब विंस्टन की तरफ आ रही थी तब वो गिर जाती है और मदद के लिए विंस्टन उसके पास में आता है। दोनों नॉर्मल कुछ बातें करते हैं और अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। विंस्टन एक कागज में आई लव यू लिखकर जूलिया को देने वाला था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती है उसे देने की और इसीलिए वो उस कागज को जला देता है। तानाशाह बॉब के लोग हेलीकॉप्टर से भी उन पर नजर रखा करते थे और दूसरे देशों के साथ हुई लड़ाई में उनका देश जीत चुका था। सभी लोग जीत की खुशी मना रहे थे और दुश्मन के सैनिकों को बड़ी बेरहमी से मारा जा रहा था, जिसके वीडियोस भी सभी देख रहे थे और तालियां बजा रहे थे। अब उसी भीड़ में जूलिया उसके पास आकर उसके लंदन परमिट के बारे में पूछकर उसे टिकट देकर मिलने के लिए बुलाती है। वो विंस्टन भी आने के लिए राजी हो जाता है। अब अगले दिन ट्रेन पर चढ़कर विंस्टन जूलिया से मिलने वाला था। दोनों एक खूबसूरत से नेचुरल पार्क में जाते हैं और इस पार्क में उनको पूरी आजादी मिल चुकी थी खुलकर बात करने के लिए। बातों ही बातों में दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और दोनों इंटीमेट होते हैं, लेकिन दूसरों के सामने वो ऐसे रहते हैं जैसे कि वो एक दूसरे को जानते तक नहीं हैं। अब एक दिन जूलिया उसे बहाने से एक पेन देती है जिसके अंदर चिट्ठी में यस लिखा हुआ था और शायद जूलिया ने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया था। रात को विंस्टन उस दुकानदार के पास जाकर वो बेड वाला रूम मांगता है जिसकी कीमत एक हफ्ते के लिए $4 थी। विंस्टन उसे पैसे देकर फौरन ही रूम फिक्स कर लेता है और अगले दिन विंस्टन और जूलिया उसी रूम में आते हैं। जूलिया उसके साथ में बहुत सारा सामान लेकर आई थी, जैसे कि मिल्क, ब्रेड, कॉफी, शुगर, जो कि आजकल उनके देश में देखने को नहीं मिलती थी, और वो सारे सामान को यहाँ वहाँ से चुरा कर लाई थी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और इसीलिए वे दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए इतना रिस्क ले रहे थे। फिर काम की जगह पर शर्ली विंस्टन को कुछ न्यूज़पेपर के बारे में बताता है, जहाँ पर कुछ सीक्रेट खबरें छपी हुई थी और उन पेपर्स की बस कुछ ही कॉपीज बची हुई थी। शर्ली विंस्टन को अपने घर मिलने बुलाता है और अब उस कमरे को विंस्टन और जूलिया ने अपना छोटा सा घर बना लिया था, जहाँ पर वे लोग कुछ भी करने के लिए आजाद थे। लेकिन उनको डर भी लगा रहता था कि अगर वे लोग पकड़ गए तो उनके साथ में क्या होगा। कुछ देर के बाद में जूलिया अपने काम के लिए वहाँ से निकल जाती है और विंस्टन जब अपने घर पर वापस जा रहा था तो रास्ते में एक बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट होता है। किसी तरह विंस्टन उस ब्लास्ट से बचता है और इस बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से उनके ऑफिस में हजारों काम बढ़ गए थे।
एक के बाद में एक न्यूज उनके पास में आ रही थी और जूलिया के साथ रहते समय वो अपने बचपन की वॉर के समय को याद करके रो रहा था। जूलिया के पूछने पर वो बताता है कि किसी ने एक चॉकलेट के बदले में उसकी बहन को मोलेस्ट किया था। वो उसी चॉकलेट को लेकर घर से भागा था, लेकिन जब वो वापस आया तो उसकी माँ और बहन वहाँ पर नहीं थे और उसे वे लोग कभी नहीं मिले। जूलिया उसे समझाती है कि उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। विंस्टन के अनुसार किसी तरह जिंदा रहने से बेहतर है इंसानियत को जिंदा रहना। और उसी दिन विंस्टन शर्ली से मिलने जाता है। शर्ली उस टीवी को ऑफ करके विंस्टन से बात करने लगता है और इस बात से विंस्टन बहुत ज्यादा हैरान था, क्योंकि टीवी को ऑफ करने का परमिशन किसी को भी नहीं था। शर्ली यहाँ पर क्रिमिनल्स और देश के कुछ क्राइम्स के बारे में विंस्टन को बताता है और साथ ही उसे एक बुक भी देता है जहाँ पर बहुत कुछ जानकारी लिखी हुई थी। फिर विंस्टन वहाँ से चला जाता है और रात को वो शर्ली की दूसरी किताब डिक्शनरी ऑफ न्यूज़स्पीक को पढ़ने लगता है, लेकिन असल में उस किताब का नाम कुछ और ही था, द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ, जिसमें उस देश की असल सच्चाई लिखी हुई थी। बुक के हर पेज पर असली कहानी का पेज भी छुपा हुआ था और उस बुक की बातें वो जूलिया को भी पढ़कर सुनाता है। लेकिन एक दिन उन दोनों का बुरा समय शुरू हो गया था और उस कमरे में ही वो टीवी एक पेंटिंग के पीछे लगा हुआ था, जिससे कि बॉब के लोग उन पर पता नहीं कब से नजर रखे हुए थे। अब जल्दी से उन दोनों को वहाँ की आर्मी घेर लेती है और जूलिया को वे लोग बुरी तरीके से मारकर अपने साथ में ले जाते हैं। और ये सब और किसी ने नहीं बल्कि उस दुकानदार ने किया था। वो रूल तोड़ने की वजह से विंस्टन को एक जेल में बंद कर देते हैं जहाँ पर उसको सोने भी नहीं दिया जाता है। उसी जेल में उसका दोस्त पार्सन भी कैद था। पार्सन अपनी बेटी के लिए कुछ ऐसी चीज लेकर आया था जो कि रूल्स के खिलाफ थी। उसकी बेटी को गोली मारकर यहाँ पर लाया गया था और उन लोगों को ये भी लग रहा था कि वो दुश्मन देश के साथ में मिला हुआ है और इसीलिए उसे सारी चीजें इतनी आसानी से मिल रही थी। कुछ देर के बाद में कुछ आर्मी आकर फिर से पूछताछ के लिए पार्सन को अपने साथ में लेकर जाती है। विंस्टन से मिलने के लिए शर्ली वहाँ पर आता है और उसे पूछता है कि उसने सब कुछ जान के भी ऐसा क्यों किया और उसने इतनी बड़ी गलती क्यों की। फिर शर्ली के ऑर्डर पर विंस्टन को एक आर्मी ऑफिसर बुरी तरीके से मारता है और अब ये कभी भी नहीं रुकने वाला था। वहाँ पर विंस्टन के बाल काटकर उसे हर दिन टॉर्चर किया जाता था और वो बस जूलिया को ही याद करता था। विंस्टन को जूलिया की कोई भी खबर नहीं मिल रही थी और एक दिन विंस्टन को एक बेड पर लेटाकर उसके हाथ और पैर बांधकर उससे कुछ सवाल पूछे जाते हैं और गलत जवाब देने पर उसके हाथ और पैरों की रस्सियों को और टाइट किया जाता है, जिससे कि विंस्टन को बहुत तकलीफ हो रही थी। शर्ली के अनुसार विंस्टन अपने साथ में हुई बहुत सारी बातों को बस हेलुसिनेट करता है, जिनमें से कुछ तो उसकी असल लाइफ की है ही नहीं। इंगसोक पार्टी के हिसाब से उनके अनुसार उसे जवाब देने पर भी टॉर्चर किया जाता था और विंस्टन कभी भी उस कैद से नहीं निकल सकता था। लेकिन फिर भी वो हेलुसिनेट करता है कि वो उस कैद से निकलकर एक खूबसूरत से जगह में है, लेकिन असलियत में तो वो अभी भी वहीं पर कैद था। उसके ब्रेन को उनके हिसाब से चलाने के लिए वे लोग उसे इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं और उसे बताते हैं कि जूलिया एक खराब कैरेक्टर वाली लड़की है जो कि बस सेक्स के लिए उसके साथ में रहा करती थी। देश की झूठी झूठी बातें भी वे लोग उसे अपने हिसाब से सिखाते हैं और विंस्टन का ब्रेन उनके हिसाब से काम कर रहा था। उन लोगों ने विंस्टन की हालत इतनी ज्यादा खराब कर दी थी कि अब तो उसके दांत तक सड़ गए थे, वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। और शर्ली उसे याद दिलाता है कि ये सब उसी की गलती है और इसीलिए उसके साथ में ये सब हो रहा है। विंस्टन को गोली मारकर उसे आसान मौत भी वे लोग नहीं देना चाहते थे और विंस्टन ऐसा हेलुसिनेट करता है कि जूलिया उसके पास है और उसको किसी ने गोली मार दी है। लेकिन असल जिंदगी में शर्ली उसके पास आकर पूछता है कि वो तानाशाह बॉब के लिए क्या सोचता है। विंस्टन कहता है कि वो बॉब से नफरत करता है और शर्ली उसे बॉब की इज्जत करने का कहकर वहां से चला जाता है। अब फिर उसे रूम 101 में शिफ्ट किया जाता है जहाँ की सजा और भी ज्यादा खतरनाक थी। विंस्टन को एक चेयर पर बांधकर उसके मुंह में एक पिंजरा रखा जाता है और उस पिंजरे में चूहे भी थे। विंस्टन बचपन से ही चूहों से बहुत ज्यादा डरता था और उसकी माँ के मरने के समय भी चूहे ही उसकी माँ के मांस को खा रहे थे। ये चूहे इतने ज्यादा खतरनाक थे कि ये एक ही मिनट में इंसान के मांस को खाकर हड्डियों तक पहुंच सकते थे और वे चूहे उसके फेस पर आ जाते हैं। लेकिन विंस्टन जूलिया को हेलुसिनेट करता है और विंस्टन की चीखों के साथ में ये सीन यह प्रकट होता है। अब कुछ समय के बाद में विंस्टन एक कैफे में दिखाया जाता है जिसके पास में जूलिया बैठी हुई थी और टीवी पर न्यूज आ रही थी कि अब अफ्रीका में भी जंग शुरू हो गई है। जूलिया ने आसानी से उनकी सारी बातें मान ली थी तो उसे ज्यादा टॉर्चर नहीं किया गया था और थोड़ी बहुत बातें करके जूलिया वहां से चली जाती है। शहर के हर टीवी पर विंस्टन के क्राइम का कन्फेशन चल रहा था जहाँ पर वो बता रहा था कि कैसे उसने रूल के खिलाफ जाकर पार्टी के दूसरे मेंबर से सेक्सुअल रिलेशनशिप रखा और उसे जो सजा मिली उसके लिए वो खुश है, वो अपने लीडर से प्यार करता है। और टीवी पर न्यूज आती है कि अफ्रीका के खिलाफ वॉर में भी वो सभी जीत चुके हैं। ये सुनकर विंस्टन बहुत ज्यादा खुश होता है। विंस्टन अंदर से तो बहुत रोता है लेकिन ब्रेन वॉश करने की वजह से वो देश की अथॉरिटी का गुलाम बन चुका था। दोस्तों इस मूवी में ओसिना नाम की जगह दिखाई जाती है जहाँ पर वॉर के बाद की हालत काफी ज्यादा बुरी हो गई थी और तब वहाँ के एक तानाशाह ने इंगसोक पार्टी खोलकर देश पर हुकूमत करने लगा। वहाँ पर बहुत सारे स्ट्रिक्ट रूल थे, वहाँ पर किसी को भी अपनी लाइफ जीने की आजादी नहीं थी।
लेकिन रूल तोड़कर विंस्टन और जूलिया ने एक दूसरे से प्यार और सेक्सुअल रिलेशनशिप रखे। लेकिन तानाशाह बॉब के लोगों ने उनको पकड़कर उन्हें बहुत टॉर्चर किया और कुछ इस तरीके से उनका ब्रेन वॉश किया कि वो देश के गुलाम बन गए। वो बस देश के हिसाब से ही हर काम करने लगे और इसीलिए मूवी के एंड में विंस्टन रो रहा था क्योंकि उसका ब्रेन तो बदल चुका था लेकिन उसका दिल अभी भी पहले की ही तरह था। लेकिन फिर भी वो डर और मजबूरी की वजह से अपने दिल की बातें नहीं सुन